press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूँ चाय पे चर्चा पर, मैं अवधेश यादव आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे साथ आई सर्जन हैं, आई सर्जन डॉक्टर आलोक गहलोत जी, गहलोत हेल्थ केयर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, और बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब 20 सालों से आई के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल की जो एक कॉमन बीमारी है मोतियाबिंद, क्या है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद जो कुदरती लेंस है उसमें अगर सफ़ेदी आ जाती है तो उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है और मरीज को कम दिखने लगता है, उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। डॉक्टर साहब किस एज में मोतियाबिंद होता है? आजकल किसी भी उम्र में हो सकता है, पैदाइशी भी हो सकता है, बच्चा मोतियाबिंद लेके पैदा भी हो सकता है जी। और वैसे 50-60 साल पे जो नॉर्मल एज की वजह से आता है वो बहुत कॉमन है। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है डॉक्टर साहब, क्या कठिनाइयां सामने आती हैं? क्या वो सही तरह से पढ़ नहीं पाता है, देख नहीं पाता? उसको देखने में दिक्कत होती है, और हो सकता है पास की दिक्कत दूर, क्या पहले उसे ऐसा लगेगा कि उसे नज़दीक का चश्मा हट गया है और उसे पास बहुत साफ दिखने लगा है, और दूर में धुंधलापन आ जाएगा। थोड़ी दिनों बाद दूर का धुंधलापन बढ़ जाएगा और पास में जो दिख रहा था वो भी हट जाएगा और उसे वो भी धुंधला दिखने लगेगा। कभी कभी उसे दो भी दिख सकते हैं, दो तीन भी दिख सकते हैं, एक आंख से होती है, एक आंख से वो दो या तीन भी दिख सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या ट्रीटमेंट है, क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या ऐसा कुछ है? इसका बस एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। जो कुदरती लेंस है उसे हटा के अपना एक कृत्रिम लेंस लगाया जाए। उसको लगाने के तरीके उसके और लेंस के विभिन्न प्रकार के लेंसेज उपलब्ध हैं, उससे उसकी रोशनी वापस लौटाई जा सकती है, रोशनी को वापस लौटाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए ऑपरेशन भी हो गया मोतियाबिंद का, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि आपकी आँख सुरक्षित बनी रहे, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज को थोड़ा सा हफ्ते 10 दिन के लिए केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे गर्दन के नीचे से नहाना, काला चश्मा पहन के रहना, और बच्चों से दूर रहना, धूल लक्कड़ मिट्टी से दूर रहना, जिससे कोई चोट ना लगे, इस तरह का सावधानी को बरतना चाहिए, रखनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर आलोक गहलोत जी, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप अपनी जो आँखें हैं उनको बिल्कुल बचा के रखिए, अगर कोई बीमारियाँ हो जाती हैं जैसे मोतियाबिंद तो उसका उपचार कराइए, और सावधानी जरूर बरती है क्योंकि आँखें जो हैं ये ईश्वर का वरदान है, इनको बचा कर रखिए। अगले फिर किसी मुद्दे पर हम लोग फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।